चलो वॉइस ऑडिबल है। हेलो दो मिनट दे रहा हूँ, ज्वाइन हो जल्दी से। चलो तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था जनरल केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, समझा गया? तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, एनी कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड कंबशन मीन्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखना ध्यान से, जनरल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को हमें कैसे लिखना है। यस, तो जनरल कंबशन रिएक्शन तो मैंने लिखा हुआ है। देयरफॉर अगर हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं CXHY क्या है, CXHY जो है ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, राइट। इसको बर्न करने कहा जा रहा है, CXHY गैस के फॉर्म में है, सपोज करो। इसको बर्न किया मतलब इसका कंबशन कराया, कंबशन कराया मतलब प्लस ओ टू, समझे? ये ओ टू, राइट। तो ध्यान देना, थोड़ा और इधर लिखता हूँ। एंड दिस गिव्स क्या देगा, ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया तो हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विल गिव CO2 + H2O, समझे क्या? हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विल गिव CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया और ये हाइड्रोकार्बन कंबशन करने पर क्या दे रहा है, CO2 गैस दे रहा है और H2O क्या दे रहा है, लिक्विड फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको बैलेंस करना है, मैं बोल रहा हूं कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करें इसको, कार्बन मैंने ऑलरेडी बताया था स्टोकियोमेट्री में जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं है तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। स्टोकियोमेट्री में प्रोसीड करना है तो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये कितना, ये एक्स कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स। हाइड्रोजन कितना, वाई है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। यस, तो पहले क्या करो, दो हाइड्रोजन का पहले एक हाइड्रोजन करो, दो का एक कैसे बनेगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाफ इंटू टू, हाइड्रोजन कितने हो गए, वन हो गए।
फिर यहां पे वाई हाइड्रोजन है, हमने राइट हैंड साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करते कितना एक हाइड्रोजन हो गया गेटिंग। तो अभी वाटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी एक हाइड्रोजन है। अभी इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, वाई हाइड्रोजन हो जाएंगे, है कि नहीं। ये समझा वाटर का हाइड्रोजन कैसे बैलेंस किया, सी एक्स एच वाई में वाई हाइड्रोजन थे लेफ्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सी एक्स एच वाई था, वाई हाइड्रोजन थे, राइट हैंड साइड में वाटर आया, वाटर में कितने दो हाइड्रोजन, तो पहले दो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर एक जब एक हाइड्रोजन हो गया फिर हमने उसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। है कि नहीं, समझ में आया क्लियर, डाउट है कोई। अब बचा क्या ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखना, बचा क्या ऑक्सीजन, तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन बचा है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन बचा है तो बचा हुआ ऑक्सीजन क्या करेगा, कैसे बैलेंस किया जाए ऑक्सीजन को। ये कितने यहां पे कितने ऑक्सीजन के, 2x मोल्स, यहां पे कितना y/2 मोल्स, तो यहां पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड कितना हो गया, 2x + y/2, ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, 2x + y/2 हो गया, है कि नहीं। ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, 2x + y/2, लेफ्ट हैंड साइड में कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 मोल्स है तो पहले 2 मोल्स का 1 मोल कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 मोल से पहले क्या करें, 2 मोल्स का 1 मोल कर दे, इसको इस तरह से लिखता हूं CXHY, ये हो गया CXHY गैस प्लस। हाँ यहां पे कितने, यहां पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, 2x + y/2 है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है 2x + y/2, यहां पे कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स है, तो पहले क्या करें, 2 का 1 मोल कर दे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 का 1 मोल हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 का 1 मोल हो गया, यस। तो अब यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन है, यहां पे 2x + y/2 मोल्स ऑक्सीजन है, तो अगर यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन है, यहां पे 2x + y/2 मोल ऑक्सीजन, तो कैसे बैलेंस होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2x + y/2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, ऐसा ही होगा, बोलो आया समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है CXHY गैस प्लस 2x + y/2 डिवाइडेड बाय 2 O2 गैस, दिस गिव्स XCO2 गैस प्लस y/2 H2O लिक्विड। बोलो समझ में आया, समझ में आया जनरल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आई बात समझ में, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी यार अभी तो मैंने बताया कि हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया, आधी बात सुनते हो आधी बात नहीं सुनते हो, मैं बिना बताए कुछ लिखता हूं क्या यहां पे, पहले बताता हूं फिर लिखता हूं,
फिर से सुनो, 10 बार करवाएंगे एक चीज को। यहां पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए? 2x+y/2। यहां पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने? 2 मोल ऑक्सीजन है। तो यहां पे 2x+y/2 है, यहां पे 2 मोल ऑक्सीजन है, तो पहले 2 मोल का 1 मोल बनाओ। तो अब यहां पे 1 मोल ऑक्सीजन हो गया, यहां पे अब इतने मोल ऑक्सीजन हो गए, तो 1 मोल ऑक्सीजन और इतने मोल ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया जिससे कि 2 मोल का 1 मोल बन जाए, और अभी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2x+y/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 2 मोल का 1 मोल बन गया, और अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x+y/2 से, तब जाके बैलेंस होगा ना। कॉमन सेंस लगाओ ना। समझ में आया क्या? इसमें डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? राइट लिखे, पेज चेंज कर दूं? एनीवन स्टिल राइटिंग? लिख रहे हो तो बताओ, नहीं तो पेज चेंज करता हूं। वेट करो जल्दी। देखो जल्दी, लिखा लिखा गया। तो अभी इसमें स्टोकियोमेट्री करें, स्टोकियोमेट्री लगाएं इसमें। हो गया अभी सबका? स्टिल राइटिंग? हुआ क्या? चलो तो स्टोकियोमेट्री लगाते हैं इसमें, देखना ध्यान से स्टोकियोमेट्री कैसे लगेगा। हमारे पास आया, ध्यान से देखना, CXHY प्लस 2X y/2 अपॉन 2 O2 गिव्स, ये गैस है, ये भी गैस है, दिस गिव्स XCO2 गैस प्लस y/2 H2O लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम इसमें स्टोकियोमेट्री लगाते हैं तो सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल विल रिक्वायर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2x+y/2 मॉलिक्यूल्स टू गिव एक्स मॉलिक्यूल्स एंड y/2 मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल कंबाइन विद 2x+y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू गिव x मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड y मॉलिक्यूल्स ऑफ y/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। चलो मैं ऐसे लिखता हूं,
ऐसे लिखता हूं कि स्टोकियोमेट्री इसमें किस हिसाब से होगा, वन मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी हो सकता है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ CXHY विल कंबाइन विद 2x + y/2 डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 टू गिव x मॉलिक्यूल ऑफ CO2 + y/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। पहला स्टोकियोमेट्री के टर्म्स में। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि वन मोल ऑफ CXHY, यही होगा, यही होगा वन मोल ऑफ CXHY विल रिक्वायर 2x + y/2 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव व्हाट, x मोल CO2 + y/2 मोल H2O, यही होगा। फिर वॉल्यूम टर्म्स बता देंगे आप, ऐसे ही होगा ना, लिखो फिर आखिरी वाला वॉल्यूम इन टर्म्स बता देंगे, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बता दिया जाएगा। लिखा हो गया। डन, चलो पेज चेंज करूं, टर्न अप जल्दी करो। अथर्व जल्दी करो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बोले,
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्टोकियोमेट्री का थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टोकियोमेट्री का थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा कि इक्वेशन लिख के कर देता हूं इस तरह से, यहां भी लिख देता हूं, सी एक्स एच वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू ओ टू, दिस गिव्स एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाय टू एच टू ओ। यस, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ गैसेस बोला जाएगा। वॉल्यूम का मेजरमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, समझे क्या? वॉल्यूम का जो भी मेजरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, समझे क्या? तो यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे बोलोगे वन वॉल्यूम ऑफ दिस रिक्वायर्स टू एक्स प्लस वाई बाय टू बाय टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एक्स वॉल्यूम ऑफ सीओ टू। यस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम लिक्विड है। हम लोग वॉल्यूम का स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैसेस में लगाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वॉल्यूम का स्टोकियोमेट्री सिर्फ गैसेस में लगाते हैं, समझे क्या? अगर वाटर भी गैस के फॉर्म में होगा, अगर मान लो वाटर भी गैस के फॉर्म में, यहां पे वाटर लिक्विड लिया, अगर वाटर भी गैस के फॉर्म में होगा, अगर मान लो वाटर भी गैस के फॉर्म में, मान लो अगर कंबशन रिएक्शन हो रहा है 373 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे ये कंबशन रिएक्शन हो रहा है वो 373 केल्विन से ऊपर है तो वाटर गैस के फॉर्म में आएगा, गेटिंग ना? और अगर टेम्परेचर 373 केल्विन से नीचे है तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में आएगा। बात समझे ना, गेटिंग क्या? यहां पे जो लिखा है, यहां पे जो लिखा है, ये जो इक्वेशन लिखा है यहां पे लिख लो, ये जो इक्वेशन लिखा है, ये वाला जो इक्वेशन लिखा ना, देखो ध्यान से, ये वाला इक्वेशन दिख रहा होगा तुमको, इस वाले इक्वेशन में लिखो, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 373 केल्विन take H2O as gas। बात समझ में आई क्या? While if temperature is less than 373 Kelvin take H2O as liquid। सिंपल, यहां पे H2O हमेशा लिक्विड नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन को कराया जा रहा है। रिएक्शन का टेम्परेचर मोर देन 373 केल्विन है, यू विल टेक H2O as, अरे यार वाटर 373 केल्विन पे बॉयल होता है, मूर्ख को एकदम से 273 पे वाटर बॉयल होता है, if temperature is more than 373 kelvin you will take H2O as liquid, while if temperature is less than 373 kelvin you will take H2O as, sorry, more than 373 kelvin you will take H2O as gas, less than 373 kelvin you will take H2O as liquid। baat samjhe kya? water boils at 373 kelvin matlab 100 degree celsius, samjhe kya? so 100 degree celsius se water boil hoga, getting, to 100 degree celsius upar temperature hai to usko gas form liya jayega, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर उसको लिक्विड फॉर्म लिया जाए। बात समझ में आएगा, राइट, क्लियर, क्लियर हो गया? तो वही चीज है, ये लिखा ना, तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो अगर तुम्हारा ये H2O गैस है, मैं दोनों चीजें लिखता हूं, अगर H2O लिक्विड है तो इसके लिए कुछ नहीं लिखोगे, बट अगर H2O गैस है, यस, तो इसके लिए क्या आएगा? y बाय टू, भाई कुछ भी हो सकता है ना, टेम्परेचर कैसा भी हो सकता है, यस नॉट? अगर H2O लिक्विड है कुछ नहीं लिखोगे, अगर H2O गैस है तो क्या लिखोगे? One volume will give y by two volume, simple। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या?
हाँ सी एक्स एच वाई गैस लिया है हमने, सी एक्स एच वाई हमने गैस लिया। सी एक्स एच वाई को हमने गैस लिया, यस। तो इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे, इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे, ये था वन टू ए बी और ये सी। इसके लिए स्टेटमेंट्स क्या क्या होंगे, इसके लिए स्टेटमेंट्स होंगे वन वॉल्यूम ऑफ सी एक्स एच वाई गैस रिक्वायर्स टू एक्स, ये है वन वॉल्यूम, रिक्वायर्स टू एक्स प्लस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू वॉल्यूम्स ऑफ ओ टू टू गिव एक्स वॉल्यूम ऑफ सीओ टू प्लस सीओ टू गैस वाई बाय टू वॉल्यूम्स ऑफ एच टू ओ गैस। और इसी को हम लोग और इलाबरेट करें, जैसे वन वॉल्यूम लिया है तो वन वॉल्यूम ऑफ सी एक्स एच वाई, मतलब वन वॉल्यूम ऑफ सी एक्स एच वाई मैं 1 लीटर ले सकता हूं, मतलब कुछ भी वॉल्यूम लिया जा सकता है ना। अगर हमने सी एक्स एच वाई 1 लीटर लिया है तो ओ टू कितना लगेगा, कितना लीटर लगेगा, ये कितना आएगा एक्स लीटर आएगा, और एच टू कितना आएगा वाई बाय टू लीटर आएगा। चलो इसको इलाबरेट करते हैं अभी, कितना लिखो, कितना लिखो, इसको इलाबरेट करते हैं अभी, कितना लिखो जल्दी से। हुआ क्या, राइट, पेज चेंज कर दूं क्या, हो गया। हुआ क्या, तो चलो इसको अभी अलग अलग वॉल्यूम्स लेके दिखाते हैं कि क्या क्या होगा, कि अगर हमने सी एक्स एच वाई का वॉल्यूम कितना कितना लिया तो कितना कितना लगने वाला है। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा सी एक्स एच वाई गैस, ये हो गया वन प्लस टू एक्स प्लस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू ओ टू गैस एंड दिस विल गिव व्हाट, एक्स सीओ टू, एक्स सीओ टू गैस प्लस वाटर, अगर लिक्विड में है तो लिक्विड ही, सॉरी गैस स्टेट मान लेते हैं वाटर का, वाटर को हम लोग गैस स्टेट में ले लेते हैं, y बाय टू एच टू ओ गैस। और मैं यहां पे बता देता हूं मोर देन 373 केल्विन, यहां पे मैं लिख कर दे रहा हूं कि टेम्परेचर कितना लिया, मोर देन 373 केल्विन लिया है, ठीक है, राइट।
एक्स। चलो तो अब मैंने यहां पे लिया, इसका वॉल्यूम लिया मैंने 1 लीटर, तो 1 लीटर 2x + y/2/2 लीटर O2 रिक्वायर्ड, यस नॉट? एंड दिस विल गिव व्हाट? एक्स लीटर CO2 फॉर्म्ड एंड y/2 liters H2O गैस फॉर्म्ड, पहला, यस नॉट? राइट। अगर मैं इसको लेता हूं, सपोज करो 5 लीटर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको लेता हूं 5 लीटर्स, केस 1, अगर मैं इसको 1 लीटर लिया तो ये केस 1, साफ साफ लिखता हूं, ये हो गया 1 लीटर। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 अगर मैंने इसको लिया कितना, 5 लीटर्स, समझ में आ रहा है क्या? तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 5 × 2x + y/2/2 liters O2 रिक्वायर्ड, यस। एंड ये कितना होगा? 5x CO2 फॉर्म्ड एंड 5y/2 liter H2O गैस फॉर्म्ड, बात समझे क्या? वो जनरल इक्वेशन चल रहा है ना, जनरल इक्वेशन यहां पे जो ये लिखा था, 1 वॉल्यूम तो इतना वॉल्यूम विल गिव, इतना वॉल्यूम विल गिव, इतना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मैंने कितना लिया? मैंने एक बार वॉल्यूम 5 लीटर ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना ले लिया? इसका वॉल्यूम मैंने ले लिया 5 लीटर, तो ये कितना आएगा? 2x + y/2 / 2 × 5 लीटर, ये कितना देगा? 5x लीटर, ये कितना आएगा? 5y/2 liters, समझे क्या? अगर केस 3, अभी सपोज करो केस 3, अगर मैंने इसको लिया केस 3, अभी अगर सपोज करो मैंने ये ले लिया कितना, मान लो कि ये मैंने ले लिया 100 ml, तो इसका वॉल्यूम कितना लिया? 100 ml लिया ना, तो इसको वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना लगेगा? 2x + y/2 / 2 × 100 ml O2 required, yes, यही होगा। कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म होगा? 100x ml, 100x ml CO2 फॉर्म्ड। एंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा? 100y/2 ml ऑफ H2O गैस फॉर्म्ड, क्लियर? समझ में आया क्या? इन जनरल कैसे करना है? डाउट है किसी को? क्वेश्चन दूं? कोई डाउट नहीं पक्का?
पड़ेंगे। स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है? ठीक, चलो चलो क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है, पहले सिंपल क्वेश्चन दूंगा, टेन लीटर्स ऑफ CH4 अंडरगोज कंप्लीट कंबशन टेन लीटर्स ऑफ CH4 अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। मैं ऐसे लिखता हूं, 32 grams ऑफ CH4 अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यस, सो कैलकुलेट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म्ड, यस डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड कितना लिया जाएगा? डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड लिया जाएगा 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड हम लोग लेने वाले हैं 1 ग्राम पर ml, राइट। थर्ड जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड एंड फोर्थ वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन इज 20% एयर बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन जो है इट इज 20% एयर बाय वॉल्यूम। वॉइस ऑडिबल है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे CH4 का कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है। टेम्परेचर अगर 273 केल्विन है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर अगर 273 केल्विन, इसका मतलब ये हो गया कि कंबशन रिएक्शन में जो H2O आएगा वो क्या आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। H2O जो आएगा किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा ना। H2O विल बी ऑब्टेन इन द लिक्विड फॉर्म। तो हमें 32 ग्राम्स ऑफ CH4 का कंप्लीट कम्बशन दिया गया है STP कंडीशन में। तो यार अगर 32 ग्राम्स ऑफ CH4 का कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि कितना मोल ऑफ CH4 का कंप्लीट कम्बशन हो रहा है कि नहीं निकाल सकते? 2 मोल CH4 का कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन लिखा जाएगा यार।
और गैस, उसके हिसाब से इक्वेशन लिखते हैं। यस, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स व्हाट, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में आएगा। H2O विल बी ऑब्टेन इन द लिक्विड फॉर्म। यस, क्यों लिक्विड फॉर्म में आएगा, बैलेंस करेक्ट करेंगे पहले, पहले बैलेंस करेंगे। ये CH4 है, कार्बन एक है तो ये वन है, तो यहां पे भी क्या रहेगा, वन रहेगा। हाइड्रोजन कितने, चार है, तो यहां पे टू लग जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, यहां पे कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। समझे क्या? राइट, तो टेम्परेचर इज 273 केल्विन ना, सो H2O लिक्विड रहेगा, H2O विल बी लिक्विड। यस नॉट, बोलो सही है, बरोबर। यस, तो ये बताओ यहां पे अपने पास 2 मोल CH4 है, तो 2 मोल CH4 विल रिक्वायर नीड्स, स्टोकियोमेट्री क्या कहता है, 1 मोल CH4 को 2 मोल ऑक्सीजन, तो 2 मोल CH4 को कितना चाहिए, 4 मोल ऑक्सीजन चाहिए। यस, एंड टू गिव व्हाट, टू ऑब्टेन 1 मोल CO2 फॉर्म एंड कितना, 2 मोल H2O लिक्विड फॉर्म्ड। यस नॉट, ऐसा ही है ना। यही सिचुएशन है कि कुछ और सिचुएशन है? यस नॉट, तो बताओ जरा क्या क्या होगा। हमने मोल से पता कर लिए, तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एसटीपी कंडीशन पे, 1 मोल CO2 है, तो एसटीपी कंडीशन में 1 मोल CO2 मतलब कितना, 1 मोल CO2 मतलब कितना, 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। CO2 2 मोल कहां से फॉर्म हो जाएगा यार, 2 मोल कहां से CO2 आ जाएगा भाई, CH4 एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 मोल कहां से CO2 दिख रहा है तुमको, हाँ 2 मोल कहां से CO2 दिखाई दे रहा है, टू मोल CO2 कहां से दिख रहा है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं, आई एम सेइंग इक्वेशन, इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल CH4 विल गिव 1 मोल CO2, हाँ, तो यहां से 2 मोल CH4 विल गिव, यस यस यस, विल गिव 2 मोल CO2। यस यस यस, आई थॉट कि तुम लोग इधर कह रहे हो, टू टू मोल CO2 इधर आएगा, मुझे लगा यहां पे कह रहे हो। तो अभी वॉल्यूम निकाल ले, सबको वॉल्यूम निकाल सकते हैं, 10 बार समझा चुके हैं, बार 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 रिपीट करो, तुमको स्टोकियोमेट्री नहीं आता क्या, अभी 1 हफ्ते से पढ़ा रहा हूं स्टोकियोमेट्री। तो चलो बताओ, तो अभी क्या होगा, हमको पूछा गया वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट एसटीपी, एसटीपी पे है ना, एसटीपी पे है, तो बताओ जरा वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड विच विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना, 2, मोलर वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर्स, कितना हो गया, 44.8 लीटर्स हो गया। यस, उसके बाद क्या, लिक्विड की बात कर रहा है, देखो गैस है, गैस, अगर ये गैस होता तब तो हम लोग 22 पॉइंट, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 2 मोल है, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ पे।
वन मोल सी एच फोर विल रिक्वायर टू मोल ओ टू, क्योंकि वन मोल सी ओ टू एंड टू मोल एच टू ओ। तो अगर हमारे पास टू मोल सी एच फोर है, टू मोल सी एच फोर विल नीड फोर मोल ओ टू टू गिव टू मोल सी ओ टू एंड फोर मोल एच टू ओ। समझे क्या? राइट। तो अब ये एच टू ओ क्या लिक्विड है ना, तो लिक्विड एच टू ओ में तो 22.4 थोड़ी लगा दोगे, लिक्विड एच टू ओ में तो डेंसिटी के हिसाब से करोगे ना यार, डेंसिटी दिया गया है ना हमें। यस, तो H2O का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ऑलरेडी सिखाया हुआ है। गेटिंग, क्या करेंगे इसमें, क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ H2O लिक्विड ऑब्टेन, मास ऑफ H2O liquid, which is equal to कितना moles into moles 2 into कितना 18, ये कितना आ गया 36 grams। ये आ गया 36 ग्राम्स, तो ये 36 ग्राम्स आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड कितना है, 1 ग्राम पर ml है, विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना हो गया ये, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड विच इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, कितना आ गया 36 ml आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड आ गया 36 ml। यस, उसी तरह से बताओ आप क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, यही कह रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, तो कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, कैसे बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड which is equal to moles of oxygen into molar volume, कितना मोल ऑक्सीजन लगा है, 4 मोल ऑक्सीजन लगा है, molar volume कितना हो गया 22.4 हो गया, getting, तो ये कितना हो गया 89.6 आ गया। 4 मोल एच टू ओ है, हाँ सॉरी 4 मोल एच टू ओ है ना, मैं क्या कर रहा हूं, 4 मोल एच टू ओ है ना, तो ये 72 ग्राम्स हो जाएगा ना, तो दिस विल बी 72 ग्राम्स, तो कितना हो जाएगा ये 72 एमएल आएगा ना, सो दिस विल बी 72 एमएल। समझे क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड कितना हो गया, 89.6 लीटर हो गया, समझ में आया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कितना लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है 4 मोल, वाटर बना 4 मोल, CO2 आया 2 मोल। Yes, इसमें कोई डाउट है, मोल्स ऑफ ओटू कितने हैं, 4 मोल ओटू लगेंगे ना यार, दिख नहीं रहा है क्या, 1 मोल सी एच फोर को 2 मोल ओटू लगते हैं, 2 मोल सी एच फोर को 4 मोल ओटू लगने वाले हैं, क्या कंफ्यूज हो रहे हो, सिंपल सा इक्वेशन है, लिखा नहीं है क्या 2 मोल सी एच फोर विल नीड 4 मोल ओ टू, 10 बार नहीं बताऊंगा, एक हफ्ते से पढ़ा रहा हूं, छोटे बच्चे नहीं हो अभी, क्लास 6 में बैठे हो, एक एक चीज चम्मच से खिलाऊ ले लेकर, स्पून फीडिंग करूं, सिलेबस भी खत्म करना है मेरे को। वॉल्यूम ऑफ ओ टू नीडेड कितना आ गया, 89.6 लीटर आ गया। यस, अब उसके बाद क्या, वॉल्यूम ऑफ ओटू हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ ओटू आ गया हमारे पास, अभी क्या करने का है हमें, अभी हमें क्या करने का है, अब देखना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, अब सोचो दिमाग लगा के सोचो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, ये नई चीज है, दिस इज अ न्यू थिंग विच आई हैव टोल्ड, किसको डाउट है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे निकाला, ऑक्सीजन में किसी को डाउट है क्या, वन मोल सी एच फोर रिक्वायर्स टू मोल्स ओ टू, हमने सी एच फोर का कितना मोल लिया है, टू मोल सी एच फोर लिया है,
मोल्स ऑफ CH4 निकाल लो यहां पे, मोल्स ऑफ CH4 कितना, 32/16, 2 मोल्स CH4 लिए बैठे, तो 1 मोल CH4 को 2 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, दिख रहा है हमें यहां से, तो 2 मोल CH4 को 4 मोल ऑक्सीजन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? ऐसा क्या डाउट जो दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? चलो तो अब देखो जरा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। अब तुम सोचो जरा, अगर तुम किसी चीज को बर्न करो, तुमने कई बार तुमने चीजों को बर्न किया होगा, कभी कागज जलाया होगा, कभी कुछ जलाया होगा, या नहीं ना, हम कभी भी किसी चीज को बर्न करते हैं तो हम उसको ओपन एटमोसफेयर में बर्न करते हैं ना यार, सोचो, कभी भी कोई चीज को बर्न किया जाता है तो उसको ओपन एटमोसफेयर में बर्न किया जाता है ना। अगर किसी चीज को बर्न किया जाएगा तो उसको ओपन एटमोसफेयर में बर्न किया जाएगा, तो अगर उसको ओपन एटमोसफेयर में बर्न किया जाएगा इसका मतलब क्या, वो एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, वो एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है वो एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रही है ना, यस नॉट? एयर में जो O2 प्रेजेंट है वो यूज हो रहा है बर्न करने के लिए, एयर में जो O2 प्रेजेंट है वो यूज हो रहा है बर्न करने के लिए, यस नॉट? तो ऐसे सोचो, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर सपोज करो हमें किसी चीज को बर्न करने के लिए 20 लीटर ऑफ O2 लगता है, ओपन एटमॉस्फेयर में किसी चीज को बर्न करने के लिए अगर हमें 20 लीटर ऑफ O2 लगता है तो वो O2 कहां से सप्लाई होगा बताओ जरा, वो O2 कहां से सप्लाई होगा बताओ जरा, एयर से सप्लाई होगा, यस? मैंने क्या बताया, एयर कंटेन्स, मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने यहां पे बताया O2 इज 20% एयर बाय वॉल्यूम, O2 इज जस्ट 20% एयर बाय वॉल्यूम, मतलब अगर तुम 100 लीटर एयर लेते हो तो उस 100 लीटर एयर में तुमको 20 लीटर O2 मिलेगा, एयर इज 20, O2 इज 20% एयर बाय वॉल्यूम ना, तो इसका मतलब अगर तुम 100 लीटर ऑफ एयर लेते हो तो उस 100 लीटर ऑफ एयर से तुमको कहीं जा करके 20 लीटर ऑफ O2 मिलेगा, बरोबर? सही है ना? तो इसका मतलब अगर तुमको किसी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए 20 लीटर ऑफ O2 चाहिए तो वो 20 लीटर ऑफ O2 लाने के लिए तुमको कितना लीटर एयर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम यूज तो एयर करोगे ना, तुम एयर से ऑक्सीजन थोड़ी निकाल के बर्न करोगे। बर्निंग करना मतलब क्या, बर्निंग करना मतलब तुम एयर से ऑक्सीजन थोड़ी निकालते बैठोगे, तुम बर्न तो एयर में करोगे, गेटिंग ना? अगर मुझे ये पेन दिख रहा है तुमको, मुझे इस पेन को जलाना है, तो इस पेन को जलाने के लिए मैं अभी अपने इस कमरे से, इस क्लासरूम से मैं ऑक्सीजन थोड़ी निकालने बैठूंगा, सीधा आग लगा दूंगा, जलाऊंगा, आग लगा दूंगा। अब इसमें एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो जो जलने के लिए यूज करेगा ऑक्सीजन, अपनी मर्जी से यूज करेगा। तो अगर सपोज करो इसको बर्न करने के लिए, सपोज करो इसको बर्न करने के लिए, इस पेन को बर्न करने के लिए सपोज करो मुझे 20 ml ऑक्सीजन चाहिए, इस एयर को बर्न करने के लिए मुझे 20 ml ऑक्सीजन चाहिए, तो वो 20 ml ऑक्सीजन कहां से आएगा, एयर से आएगा ना, यस नॉट? तो कितने एयर का वॉल्यूम चाहिए होगा, एयर इज 20% एयर बाय ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, तो अगर तुम एयर का वॉल्यूम वी लेते हो तो उसका 20% ऑक्सीजन होगा, तो इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 20 ml चाहिए, तो कितना एयर लाना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर वी ले लिया, उसका 20% कितना हो गया, 20/100 × V, तो 20/100 × V इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर? क्लियर क्या बोलो? यस। तो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि एयर इज 20% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 20% एयर बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन इज 20% एयर बाय वॉल्यूम। तो अगर ऑक्सीजन जो है 20% एयर बाय वॉल्यूम है, इसके मायने क्या हो गए, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज इफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी
ट्वेंटी बाय हंड्रेड इंटू वी मतलब कितना, वी बाय फाइव, वॉल्यूम ऑफ एयर इज वी एयर कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ एयर इज सपोज करो वी एयर, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी बाय हंड्रेड इंटू वी एयर विच इज इक्वल टू वी एयर बाय फाइव। यस नॉट, है कि नहीं, क्लियर ना? तो हमको कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तुमको जो चाहिए ये एयर से आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि तुमको चाहिए इस क्वेश्चन में 89.6 लीटर्स, दिस इज इक्वल टू कितना, वी एयर बाय फाइव, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया 89.6 इंटू फाइव लीटर्स, 89.6 इंटू फाइव लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास आ गया कितना, सॉल्व कर सकते हैं, 896 डिवाइडेड बाय 2, 448 लीटर्स। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? क्लियर बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। किसी तरह का कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, पक्का आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ जाऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए स्टोकियोमेट्री के, तुम लोगों को मेरा एक बेसिक चीज पढ़ा के हो गया लगभग पूरा स्टोकियोमेट्री, मतलब स्टार्टिंग का बेसिक। कल हो सकता है कल कुछ क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूंगा, आज जो काम दूंगा उसका कल डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर मैं लिमिटिंग रिएक्शन का कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा, फिर पीओएसी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। समझे क्या? ये इतना क्लियर हो गया सबको, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन दूं एक, जितना मैंने पढ़ाया है सब स्टोकीमेट्री तक जितना पढ़ाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट तक होगा सिलेबस, परसों वेडनेसडे को स्टार्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा टेस्ट में, मैंने पेपर बना दिया, दिया है टेस्ट में लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑर्गेनिक में सर ने जो पढ़ाया है प्लस तुमको जो मैंने क्वांटम नंबर स्टार्ट करवाने को कहा था, स्टार्ट हो गया ना क्वांटम नंबर, स्टार्ट हो गया ना टेस्ट में क्वांटम नंबर से स्टार्ट हो गया ना, है ना? तो हाँ चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है एन अननोन हाइड्रोकार्बन सी एक्स एच वाई अंडरगोस
कंप्लीट कंबशन इन एयर एट STP, समझे क्या? राइट, तो इट बिकॉज इट इज अंडरगोइंग कंप्लीट कंबशन एट STP, इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर खुद ही बंद हो जाएगा क्लास। इन दिस प्रोसेस सपोज करो, मैं क्या कह दूं, मैं ये कह देता हूं कि टू ट्वेंटी फोर लीटर्स ऑफ एयर वॉज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, 224 लीटर्स ऑफ एयर वॉज रिक्वायर्ड, यस, इट वॉज ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ सीओ टू वॉज 22.4 लीटर्स, ऐसे कहता हूं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट मास ऑफ सीओ टू ऑब्टेन वॉज 44 ग्राम्स एंड मास ऑफ एच टू ऑब्टेन वॉज 18 ग्राम्स। लेट मी जस्ट चेक, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट वेरीफाई द थिंग्स, डोंट वरी। हाँ, ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको चेंज करता हूं, वेट जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, चलो इतने लिखा रहने, जो है वही इतने लिखा रहने, ये कर लोगे तो फिर बाकी भी कर ही लोगे। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्वेश्चन लिख लो, और आज मैं होमवर्क दूंगा, नहीं वॉइस ऑडिबल है, स्क्रीन चालू है और वॉइस भी ऑडिबल है, मुझे पता चल रहा है, ये मैंने भी कनेक्ट किया हुआ है, वॉइस ऑडिबल है, स्क्रीन भी चालू है। हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, बाय, टेक केयर, होमवर्क दूंगा आज, ठीक, चलो।